नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ विजय। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। जम्मू कश्मीर में जैश का आतंकी कामरान मारा गया। कुलगाम शोपिया में सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेरा, इनकाउंटर जारी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को मार गिराया है। आतंकी की पहचान कामरान भाई उर्फ हनीस के रूप में हुई, जो कुलगाम शोपिया इलाके में एक्टिव था और कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक शोपिया के कापरेन इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। अभी भी कुछ और आतंकियों को छिपे होने की खबर है, जिसके चलते पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस और सेना की टाइट टीम घाटी में लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल नवंबर के पहले हफ्ते तक कुल 181 आतंकी मारे गए हैं। इनमें 51 से ज़्यादा विदेशी और 126 लोकल आतंकी थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक घाटी के अभी कुल 137 एक्टिव आतंकी मौजूद है। इनमें से 83 विदेशी और 51 लोकल आतंकी है। इससे पहले 1 नवंबर को सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया था। इनमें पुलवामा के 3 और अनंतनाग के 1 आतंकी का इनकाउंटर किया गया है। पुलवामा में लश्कर के कमांडर मुख्तार भट्ट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी, एक और डेरा प्रेमी की हत्या। पंजाब में सबसे ज़्यादा मामले आखिर ईश निंदा पर क्यों कर दी जाती है हत्या। ये वीडियो पंजाब के कोटकपुरा का है। दरअसल गुरुवार सुबह यहां दो बाइक पर सवार दो बदमाशों ने प्रदीप सिंह नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना में 3 और लोग जख्मी हुए हैं। आरोप है कि प्रदीप सिंह ने 2015 में ग्रंथ गुरु साहिब की बेअदबी की थी। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शांति बनाए रखने की अपील की है। खास बात यह है कि सिंह जमानत पर बाहर था और उसे बाहर आ गया और उसे पुलिस सुरक्षा दे दी गई। इस मामले में इससे पहले भी 6 डेरा भक्तों की बेरहमी से हत्या हो चुकी है। हालांकि इष्ट निंदा से जुड़ी ऐसी घटना सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है। आज एक्सप्लेनर में इष्ट निंदा यानी बेअदबी की शुरुआत, इसके इतिहास अलग अलग धर्मों में मौजूद है। सीबीआई ने वेकुली के प्रबंधक को रिश्वत लेते पकड़ा। ग्रेजुटी की रकम मंजूर करने के बदले में सेवानिवृत्त कर्मचारी से 50,000 की रिश्वत मांगने वाले वेकुली खदान के प्रबंधक को सीबीआई की भ्रष्टाचार प्रतिबंधक टीम ने गिरफ्तार किया है। ये कार्यवाही चंद्रपुर के महाकाली खदान परिसर के प्रबंधक MS धांडे पर की गई है। संबंधित खदान में कार्यरत एक कर्मचारी अगस्त महीने में सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हें ग्रेजुटी के रूप में 20,00,000 रुपए मिले। यह कर्मचारी धरने के अधीन काम करता था। असल में ग्रेजुटी 17 से 18 लाख की ही थी, लेकिन धांडे ने कर्मचारी से कहा कि उसने ग्रेजुटी की राशि बढ़ाकर 20,00,000 निकाली है। इसके लिए उसने कर्मचारी से 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की। संबंधित कर्मचारी उसे पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने सीबीआई के पास इस संदर्भ में शिकायत दर्ज कराई। सीबीआई ने शिकायत की जांच की, जिसके बाद सीबीआई की ACB टीम ने महाकाली खदान परिसर में जाल बिछाकर धांडे को रंगे हाथ पकड़ लिया। सीबीआई ACB के प्रमुख खान के जानकारी देते हुए बताया कि वे धांडे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस कार्यवाही से वेकुली में खलबली मच गई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।